यू आर वॉचिंग टेक्नो ज्ञानी। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोशन चैप्टर के डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टॉपिक के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज एक बार सच्चे दिल से भगवान से प्रेयर कीजिए कि कोरोना वायरस से हमें जल्दी ही निजात मिले। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने आस पास स्वच्छता का पुख्ता इंतजाम करेंगे, और इसके लिए हाथ को साफ रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज खाने से पहले और अपने आंख, नाक, कान, मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को जरूर धोएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो उससे पहले हम डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन जानने का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल इस इमेज में शो किया गया है। आप इस इमेज में देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है टिक्कू, जो कंटिन्यू मूव होता है एंड मूव होते हुए 0 मीटर टू 6 मीटर तक मूव करता है एंड बैक टर्न होकर के वो वापस 2 मीटर की पोजीशन में रिटर्न होता है। दैट मींस उसने टोटल जो डिस्टेंस मेजर किया है 0 टू 6, 6 टू 2, दैट मींस 0 टू 6 हुआ 6 मीटर एंड 6 टू 2 मीटर हुआ 4 मीटर। So, total distance हुआ 10 meter. तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस इज द टोटल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रिगार्ड टू डायरेक्शन। दैट मींस डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं होता है एंड डिस्टेंस की SI यूनिट मीटर होती है। अब हम डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट लगभग एक ही एंटिटी है, बट यहां पे क्या होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो टोटली डायरेक्शन पे बेस्ड होता है। अब इसको समझने के लिए हम इस इमेज का यूज करते हैं। यहां पे टिक्कू 0 से मूव होता है एंड अगेन 6 मीटर तक मूव करता है एंड बैक टर्न होकर के 2 मीटर तक आता है। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट टोटल होगा 0 टू 2, दैट मींस 2 मीटर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस में हम वो पूरा एरिया कवर करते हैं जहां से टिक्कू मूव किया, बट डिस्प्लेसमेंट में हम बिना डायरेक्शन को ऐड किए हम डायरेक्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। दैट मींस डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इसका भी SI यूनिट मीटर होता है। अब आप लोग इस इमेज को देखिए। यहां पर टिक्कू जो ए पोजीशन पे है वो ए पोजीशन से 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर बी अपने होम पहुंचता है एंड बी के बाद वो सी ट्री, जो एक मैंगो का ट्री है, वहां पे जाकर मैंगो खाता है एंड वापस उसी पोजीशन में रिटर्न होता है। तो बच्चों, आप लोग मुझे इस इमेज की हेल्प से ये बताइए कि यहां पे टोटल टिक्कू ने कितना डिस्प्लेसमेंट और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में आंसर शो करना है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही आंसर इंसर्ट करेंगे। एंड यहां पे इस कीड़े को देखिए, ये बग्स है जो कंटिन्यू मूव हो रहा है एंड इस इमेज की हेल्प से आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को बहुत इजीली समझ सकते हैं। दैट मींस यू कैन से दैट द कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्शन लेंथ between any two points when measured along with minimum path between them. That means जो displacement होता है वो minimum path को show करता है and distance वो पूरे complete length को show करता है जहां से object move हुआ है। अब इस example को देखिए, यहां पर कोई object है, suppose that यहां पर कोई object है A and वो continue move होते हुए टेबल को राउंड कर इस पोजीशन पे वापस पहुंचता है। तो अकॉर्डिंग टू मी डिस्टेंस यहां पे होगा, देखिए 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर एंड प्लस मीटर। सो टोटल डिस्टेंस होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 मीटर एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हम मेजर करेंगे इस पोजीशन से इस पोजीशन में, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1 मीटर प्लस 1 मीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा 2 मीटर। तो यहां पे डिस्टेंस हुआ 6 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर।
मैं उम्मीद करता हूं आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस और उसे कैसे मेजर करना है ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। इस डायग्राम में भी शो हो रहा है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो इस डायग्राम की हेल्प से आप बहुत इजीली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में भी डिफरेंस काउंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। यदि बच्चों आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर शेयर कीजिए, अदरवाइज जय भारत भी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। नाउ बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो फर्स्ट डिफरेंस है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी, दैट मीन्स टोटल लेंथ, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी। सेकेंड डिफरेंस, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हम प्रीवियस लेक्चर पर डिस्कस कर चुके हैं, एंड सेम वे स्केलर क्वांटिटी। तो दोनों का डिफरेंस क्या है बच्चों आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस मेजर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड द नेट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन इन द डिफरेंस डायरेक्शंस। फिफ्थ डिफरेंस, देयर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस कवर्ड व्हेनेवर देयर इज अ मोशन। डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो इफ द बॉडी कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशंस। एंड डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर है एंड डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर होता है। तो सिक्स डिफरेंस नहीं है, इनकी बीच की सिमिलरिटी है। ओके, तो सिक्स को आपको काउंट नहीं करना है, आपके पास यहां पे टोटल फाइव डिफरेंस है। नाउ असाइनमेंट ऑफ द डे, तो प्रॉब्लम फर्स्ट है एंड प्रॉब्लम सेकंड है। ये दोनों प्रॉब्लम को आपको अच्छे से रीड करना है एंड इसके आंसर फाइंड आउट कर आपको कॉपी पे मेंशन करना है। बच्चों मैंने आपकी प्रीवियस कॉपी चेक की है, आप इसे भी प्रीवियस कॉपी प्रीवियस नोट्स की तरह अच्छे से डिजाइन करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। जय भारत।